दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की बात किया जाए तो जीएस पेपर 3 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जीएस पेपर 3 के सिलेबस का। और जब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आ गया, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात हो गई, तो मॉरिशियस ऑयल स्पिल, ये वाला जो टॉपिक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए अगर हम बात करें, मॉरिशियस ऑयल स्पिल अभी की न्यूज नहीं, 25 जुलाई को ये इंसिडेंट हुआ था और आज लगभग 13 अगस्त को मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। 7 या 10 अगस्त के लगभग मॉरिशियस के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने वहां पे इमरजेंसी लगवा दी। ये शिप लीक ही करता जा रहा था, बहुत सारा ऑयल समुन्द्र में लीक हो गया। फॉर्चुनेटली कोई ह्यूमन लाइफ नहीं गई। तो मॉरिशियस ऑयल स्पिल के बारे में आपको काफी कुछ पता है, बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे। मेरा इस वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं मॉरिशियस ऑयल स्पिल्स के साथ दुनिया भर में जो रिसेंट ऑयल स्पिल्स हुई उनके बारे में आपको बताऊं, साथ साथ इंडिया में रिसेंट ऑयल स्पिल्स क्या हुई उनके बारे में बताऊं, ऑयल स्पिल्स से क्या नुकसान होता है उसके बारे में बताऊं, ऑयल स्पिल्स के नुकसान को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या क्या इनोवेशन किए गए उसके बारे में बताऊं, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है ऑयल स्पिल्स को लेकर उसके बारे में बताऊं, और उसके साथ साथ इंडिया में क्या किया गया है ऑयल स्पिल को लेकर इसके बारे में बताऊं। तो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक को, या फिर अगर ऑयल स्पिल्स से दूर से भी रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू बनता है यूपीएससी में प्रीलिम्स में, तो आप उसको बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। और मैप में भी इनके लोकेशंस को देखेंगे तो मॉरिशियस इंडियन ओशन में एक आइलैंड है। अगर जियोलॉजिकली देखा जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत पास है, तो अफ्रीका का हिस्सा बोला जाता है इसको। पोर्ट लुई इसकी कैपिटल है। पोर्ट लुई अक्सर का नाम को मूवीज में देखने को मिलता है, सुनने में मिलता है। अगर आपने गर्म मसाला मूवी देखी हो तो उसमें पोर्ट लुई में सारी शूटिंग हुई है। ये रहा अफ्रीका। ओके, यहां पे है आपका मदागास्कर आइलैंड, और इधर दो आइलैंड्स हैं, एक रियूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस का, एक मॉरिशियस है। इंडियंस के लिए मॉरिशियस में ऑन अराइवल वीजा है, तो आप बड़े आराम से वहां पे जा भी सकते हो। और ज्यादातर जो वहां की जनता है वो हिंदू है, तो एक कल्चरल सेम्ब्लेंस देखने को मिलता है। जो भी ज्यादातर लोग इंडिया जाएंगे तो जो एक कल्चरल होमोजेनिटी वहां देखने को मिलती है, आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। वहीं पर अगर आप थाईलैंड जैसी कंट्री में घूमने जाते हो या किसी और कंट्री में घूमने जाते हो, आपको काफी फर्क नजर आएगा कल्चरली। अब और ऑयल स्पिल की बात अगर हम करें तो ये जो न्यूज दिख रही है आपको सामने स्क्रीन पे दोस्तों, ये सोलोमन आइलैंड ऑयल स्पिल। ये सोलोमन आइलैंड्स आपके पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पापा न्यू गिनी आता, उसके ईस्ट में है ये सोलोमन आइलैंड्स। यहां पे रेनर आइलैंड के पास भी एक इंसिडेंट हुआ था ऑयल स्पिल का। ये लगभग 2019 के मिड की या शुरुआत की न्यूज है। तो इस न्यूज के जो लोकेशन थी वो लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, चूंकि लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो गई है दोस्तों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है लोकेशंस ऑयल स्पिल के मामले में। लोकेशन से आपका जो प्रीलिम्स है यूपीएससी का, वहां सवाल बन सकता है। प्लस आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप जनरल स्टडीज के एंथुसियास्ट हो तो ये सब आपके लिए चीजें अच्छी हैं, और आपको पता होना चाहिए दुनिया भर में क्या हो रहा है। सिर्फ टिकटॉक और यूट्यूब पे क्या हो रहा है वो जानना इनफ नहीं है। उसके आगे बात करें तो रशियन आर्कटिक ऑयल स्पिल ये रिसेंट हुई, आप देख सकते हैं 9 जून 2020 की न्यूज है। अंबर नाया करके एक रिवर है रशिया के आर्कटिक रीजन में, नॉरल्स्क नाम का एक जगह है वहां पे, तो वहां पे ऑयल स्पिल हो गई, जिसके चक्कर में जो पूरी की पूरी अंबर नाया रिवर है ना, उसका कलर ही चेंज हो गया था। तो इसकी लोकेशन को भी देखेंगे। तो ये तो रिसेंट जो ऑयल स्पिल है इंटरनेशनली, इंडिया में क्या कोई एक ऐसी ऑयल स्पिल हुई है, तो इसको भी देखते हैं। 2017 में दोस्तों जो एन्नोर नाम की जगह है चेन्नई के पास, अगर कोई तमिलनाडु में कभी गया होगा, कभी चेन्नई भी गया होगा, उसके पास एन्नोर पड़ता है। ओके, एन्नोर में 2017 में एक ऑयल स्पिल हुई थी। तो ये एक मेजर ऑयल स्पिल का इंसिडेंट था इंडिया में। आप यहां पे देख सकते हैं जो ब्लू रंग का डॉट आपको नजर आ रहा है, यहां पे है एन्नोर, चेन्नई के बहुत पास है ये जगह। फिर इस एन्नोर ऑयल स्पिल से पहले इंडिया में कौन कौन सी ऑयल स्पिल्स हुई, तो सुंदरबंस में एक ऑयल स्पिल हुई थी 2014 में बांग्लादेश में। लेकिन ऑब्वियसली बात है जो सुंदरबंस है वो इंडिया में भी है, तो अगर बांग्लादेश के कोस्ट पे, खासकर सुंदरबंस के कोस्ट पे कोई ऑयल स्पिल होगी तो उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट इंडिया पे भी आएगा। सेला नदी पे, जो कि एक इको सेंसिटिव रीजन है सुंदरबंस में, वहां पे डिजास्टर हुआ था ये, इंडिया की वाइल्ड लाइफ इससे इफेक्ट हुई थी। फिर ओएनजीसी लीक, ये 2013 में जो ओएनजीसी में उरण में जगह है, उरण नाम की जगह है नवी मुंबई में, वहां पे एक लीक हुआ था जिसके चलते 5000 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल अरेबियन सी में चला गया था। मुंबई के कोस्ट पे 2010 में दो शिप्स लड़ गए थे जिसकी वजह से 800 टन ऑफ ऑयल समुंदर में गिर गया था। तो ये कुछ मेजर लीक्स हैं दोस्तों। अब ये जो लीक हुए हैं वो हुए, एक काम करते हैं इनकी लोकेशंस देखते हैं। मैं किस किस चीज की लोकेशन आपको दिखाऊंगा, इंटरनेशनल लोकेशंस आपको दिखाता हूं, क्या बहुत पुरानी चीजों में जाने की जरूरत है नहीं। एन्नोर वाली लोकेशन तो मैंने आपको दिखा दी, मॉरिशस की लोकेशन देखेंगे, सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन देखेंगे, रशियन आर्कटिक ऑयल स्पिल कहां हुआ है इसकी लोकेशन देखते हैं।
अब ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप आपको नजर आ रहा है, सामने आपको इंडिया नजर आ रहा है, सारी ऑलमोस्ट बहुत सी कंट्रीज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। सबसे पहले हमें देखना है मॉरिशियस। मॉरिशियस के लिए हम लोग थोड़ा साउथ में है, इंडियन ओशन आपको पूरा नजर आ रहा है, मदागास्कर आइलैंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जूम इन करते हैं। जब आप जूम इन करोगे, मदागास्कर आइलैंड के ईस्ट में आपको दो जगहें दिख रही है, एक आपको दिख रहा है रियूनियन, एक आपको दिख रहा है मॉरिशियस। ये जो रियूनियन नाम का जो आइलैंड है दोस्तों, यहां पे फ्रांस का है कंट्रोल। इसी रियूनियन आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन से मॉरिशियस सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद मांगी, जब ये ऑयल स्पिल हैंडल होना मुश्किल हो गया मॉरिशियस की सरकार पे। अब अगर हम मॉरिशियस के मैप को थोड़ा जूम इन करें तो आपको ये मॉरिशियस नजर आ रहा है, सामने पोर्ट लुई भी नजर आ रहा होगा। करते चले जाते हैं आपको, यहां पे दोस्तों आपको जगह दिख रही है पॉइंट डी एसनी, जहां पे ये ब्लिंक हो रहा है, ये पॉइंट डी एसनी करके जगह, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है आपके मॉरिशियस पे। इसके पास ही एक कोरल रीफ है जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, कौन सा, मॉरिशियस की ऑयल स्पिल का, बहुत ही दुखद इंसिडेंट है। फिर आगे हम लोग और लोकेशंस देखते हैं, सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन देखते हैं। फिर से हम अपने मैप पे आ गए। अब आप ईस्ट में जाइए दोस्तों, ईस्ट में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको पापुआ न्यूगिनी नजर आ रहा है। पापुआ न्यूगिनी के पास अगर आप थोड़ा सा जूम करते हो मैप को, तो पापुआ न्यूगिनी के जब आप ईस्ट में आते हो, आपको दिख रहा है सोलोमन आइलैंड्स, थोड़ा सा ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा जब मैं कर्सर उसके ऊपर लेके जा रहा हूं। सोलोमन आइलैंड्स के साउथ में थोड़ा सा एक छोटा सा आइलैंड आपको नजर आ रहा है, मैं जूम करता जाऊंगा तो ही वो आपको नजर आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये रेनल आइलैंड करके नजर आ रहा है आपको। इस रेनल आइलैंड पे एक ऑयल स्पिल हुआ था 2019 में, तो ये एक मेजर एनवायरमेंटल डिजास्टर था। और फाइनली आते हैं हम लोग आर्कटिक ऑयल स्पिल पे। फाइनली आर्कटिक ऑयल स्पिल कहां पे हुई थी उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अंबरनाया रिवर के पास। देखिए ये हम लोग पहुंच गए रशिया आर्कटिक रीजन के बहुत पास दोस्तों। ये आपको दिख रही है अंबरनाया रिवर, यहाँ पे जहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अंबरनाया रिवर है। थोड़ा सा जब आप इसके नॉर्थ में जाओगे तो बहुत बड़ी सी आपको यहाँ पे वाटर बॉडी नजर आ रही दोस्तों। ये वाटर बॉडी है लेक प्यासिनो, और इस लेक प्यासिनो का जो पानी है वो पहुंच जाता है आर्कटिक सी के, सॉरी आर्कटिक ओशन के कारा सी में। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हो, ठीक है, यहां पे आपको लेक प्यासिनो दिख रही है, पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और लेक प्यासिनो का पानी सीधे कहां जाता है, ये जाता है ऊपर बहता हुआ कारा सी में। ये जो आपका यहां पे समुंदर दिख रहा है ये बेसिकली कारा सी। ओके दोस्तों, तो अब आप ये समझ सकते हो कि जो अंबरनाया नदी है इसमें बहुत सारा ऑयल डंप हो गया। ये अंबरनाया नदी का पानी पहुंचेगा प्यासिनो लेक में, और प्यासिनो लेक से जो आउटलेट है वो जाता है कारा सी में, और कारासी आर्कटिक ओशन का पार्ट है। तो पूरी आर्कटिक की जियोलॉजी इस ऑयल स्पिल से अफेक्ट हो सकती थी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद रखिएगा। नॉरिल्स लांग की जगह पे ये आर्कटिक स्पिल का इंसिडेंट डिजास्टर हुआ था। अब वापस आ जाते हैं मॉरिशियस वाले ऑयल स्पिल वाले इंसिडेंट पे। ये देखना बहुत जरूरी कि 25 जुलाई 2020 को क्या हुआ, चूंकि बिल्कुल ही करंट में, हालांकि रशिया वाला मैटर भी बिल्कुल करंट में ही है। एमवी वाकाशियो नाम का एक जापानीज शिप था, इसके अंदर कोई भी कार्गो नहीं था बट तेल भरा हुआ था। ये 25 जुलाई को जाके कोरल रीफ से टकरा गया। अगर ये आइलैंड है, कोरल रीफ पास में है, ओके, कोरल रीफ्स के बारे में मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूं। जहां पे कोरल रीफ्स होती हैं वहां पे पानी की गहराई ज्यादा होती नहीं, पानी गहराई थी नहीं, शिप जाके टक्कर मार गया, नीचे सैंड में फंस गया। अब अगर शिप का जो हल था आगे की तरफ, जो उसका डिजाइन था, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो उसका हल फटता नहीं, बट उसका हल फट गया और इंजन ऑयल जो था वो बाहर लीक होना शुरू हो गया। दुख की बात ये है, 4000 टन ऑफ फ्यूल ऑयल था इसमें। ओके, तो भैया मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और नाम इंपॉर्टेंट जाता है, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रविंद जुगनाथ। तो जो वन लाइनर टाइप के जो सवाल आते हैं पीसीएस में या फिर छोटे मोटे एग्जामों में कि भाई कौन है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मदद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मदद किया है। फ्रांस ने अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा, तुरंत ये डिप्लॉय कर पाए, चूंकि रियूनियन आइलैंड जो कि मॉरिशस के पास है, जिसकी लोकेशन भी मैंने आपको दिखाई, वहां से उन्होंने अपना तुरंत एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट मदद के लिए भेजा। जापान ने भी 6 मेंबर की टीम भेजी मदद के लिए। एनवायरमेंटलिस्ट काफी परेशान है। ओके, ये जो एम वी वाकाशियो नाम का जो शिप है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डी एसनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं। ये एम वी वाकाशियो ने जहां पे तेल को डंप किया है,
एक्चुअली उसके पास बहुत सारे वेटलैंड्स और ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ओके, और प्रॉब्लम यह है कि देखिए वहां की थाउजेंड्स ऑफ एनिमल स्पेशीज भी रिस्क पे आ गई हैं, ठीक है, मछलियां वगैरह भी मरेंगी, साथ साथ जो टूरिज्म है, मॉरिशस की इकोनॉमी काफी हद तक टूरिज्म पे डिपेंड करती है, टूरिज्म भी इस इलाके में बंद होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो फिश कैच होता है उस फिश कैच पे इफेक्ट आएगा। जो फिश कैच मिल भी रहा है हम ये कह नहीं सकते गारंटी से कि वो पूरी तरीके से हेल्दी होगा कि नहीं होगा, तो मॉरिशस की इस इलाके की लोकल इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ने वाला है इस ऑयल स्पिल की वजह से, ठीक है। फिर मॉरिशस में कुछ वर्ल्ड इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है रेप्टाइल्स की, जिनका यूनिक जेनेटिक मेकअप है, उनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। ओके, फिर मॉरिशियंस भी भाई लड़ लड़ के जैसे तैसे करके इस प्रॉब्लम से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुगर केन लीव से प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो ऑयल स्पिल स्प्रेडिंग है उसको मैनुअली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ वर्कर्स हैं इस इलाके में हजारों की तादाद में बेबी टॉर्टॉइस को उठाया, चूंकि बेबी टॉर्टॉइस को यहाँ पे अगर छोड़ देंगे, रेयर प्लांट्स को यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो इस ऑयल स्पिल से मर जाएंगे, तो इन बेबी टॉर्टॉइस को उठाया, रेयर प्लांट्स को उठा के किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि ये मरे ना। और प्रॉब्लम ये थी कि लगातार वो जो ऑयल था वो निकलता ही जा रहा था उस शिप पे, उसके अंदर इतना ज्यादा ऑयल था। इसलिए आप देखोगे 7 अगस्त के लगभग पीएम ऑफ मॉरिशस ने एक स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की। 1.3 million पीपल, द स्पेल रिप्रेजेंट डेंजर फॉर द कंट्री ऑफ 1.3 million पीपल दैट रिलाइज हेवीली ऑन टूरिज्म। तो ऑब्वियसली बात है इस पार्ट में टूरिज्म बहुत कम होगा, क्योंकि मॉरिशस में एक ही चीज फेमस है, वहां के बीचेस, और वही खतरे में आ गए तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कम ही जाएंगे लोग। प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनाथ जी ने अनाउंस किया कि जो सैटेलाइट इमेजेस है उन्होंने दिखाया कि एक डार्क स्लिक सा फैल गया है पानियों में। तो अब देखिये इन सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत जगहों पे आपने इन सब चीजों को देख ही लिया होगा। इस ऑयल स्पिल के साथ डील कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ऑयल स्पिल से नुकसान क्या क्या हुआ, तो देखिए नुकसान तो आपको पता ही चल गया। जब ऑयल स्पिल होता है बहुत मास स्केल पे, जो छोटे छोटी फिशेज होती हैं, ओके, वहां पे जो लोकल जानवर होंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जो टर्टल्स होंगे वो मरेंगे, जो एक्वेटिक बर्ड्स होंगी वो मरेंगी, फिर वो बर्ड्स जो एयरबॉर्न है हवा में उड़ रही हैं, कभी कभी वो पानी के कलर को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, उसकी तरफ आएंगी, उससे मरेंगी। जो फिशेज हैं दोस्तों, वो फिशेज क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो पानी तैर रहा है, इस पानी के ऊपर तेल स्पिल हो गया, ओके, तो अब ये तेल पानी के ऊपर तैर रहा होगा, काफी हद तक पानी से मिस्क हुआ होगा। नीचे की तरफ जो फिशेज है ना, जो प्लांट्स हैं, जो फिशेज हैं, जो भी कोरल रीफ्स हैं, इनको चाहिए होता है देखिए सनलाइट। ऊपर से जो सनलाइट पड़ रही है पानी की सरफेस पे, वो सनलाइट नीचे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो डार्क ऑयल है इसने जो ट्रांसपेरेंसी है पानी की उसको कम कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट की जो पेनिट्रेशन है पानी के अंदर वो घट जाता है इस ऑयल स्पिल के चलते। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है ना पानी और हवा के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में जो ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग होती है, ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है, वो रुक जाता है। तो एक समय के बाद आप देखोगे कि जो इलाके बहुत ज्यादा इस ऑयल स्पिल से अफेक्ट हुए होंगे उनके पानी में जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व कंटेंट है वो घटने लगेगा। जो प्लैंकटन अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे प्लैंकटन बहुत जरूरी होते हैं, आपको पता है पूरी की पूरी जो एक्वेटिक फूड चेन है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लैंकटन पे डिपेंडेंट है। प्लैंकटन से मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ओके, इन प्लैंकटन को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट आ नहीं रही है तो प्लैंकटन लिमिटेड रहेंगे, वह तो वो प्लैंकटन मर जाएंगे या जो बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म है वो इन प्लैंकटन को खा लेंगे, प्लैंकटन की कमी हो जाएगी, और अगर प्लैंकटन की कमी हो गई तो पूरा डेड ब्लूम हो जाएगा, यानी कि जितनी भी वहां पे लाइफ है सब खत्म हो जाएगी। तो भाई लाइट नहीं पहुंची पानी के अंदर, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से प्लैंकटन मर गए, प्लैंकटन मर गए तो फिश टर्टल्स तो मर ही जाएंगे, और वैसे भी सीधे सीधे ऑयल के इफेक्ट से भी बहुत सारे फिश और टर्टल मरेंगे। और ये जो वॉटर प्लस ऑयल मिक्स वाला जो कंपोनेंट है इसको जब ये फिशेस खाएंगी, और कभी हमने खुदा ना खास्ता वहां पर रहने वाले लोगों ने इनको खा लिया, तो वो पूरा का पूरा कंटेमिनेशन ह्यूमन बॉडी में भी पहुंच सकता है। तो दिस इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर एक्वेटिक स्पेशीज, ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि भाई खाने पीने में तो सारे ही तेज है, बिना नॉनवेज के तो चलेगा नहीं लोगों का काम, ठीक है, तो वही बात है। तो ये सारी चीजें हैं, कोरल रीफ्स को भी खतरा है भाई, फिशेस को भी खतरा है, और ओवरऑल आप देखो तो भाई जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को भी खतरा है। भाई फिश कैश कम होगी तो फिशरमैन को कुछ मिलेगा नहीं, पानी गंदा है,
खतरनाक पॉल्यूशन हो गया, तो जिन लोगों ने भी मॉरिशस घूमने का प्लान बनाया होगा नियर फ्यूचर में, वो अपना प्लान कैंसिल कर देंगे। अच्छा, अगर कार्गो वेसल टूटा है उसकी वजह से आप देखिए काफी सारा तेल का नुकसान हुआ, तो वो भी तो एक फाइनेंशियल नुकसान है ना। वो तेल किसी सही जगह पे इस्तेमाल हुआ होता तो कुछ काम होता उसका, वो तो बह गया पानी में, तो उसका भी फाइनेंशियल लॉस है। तो हर तरीके से फाइनेंशियल लॉस है यहाँ पे, प्लस एनवायरमेंटल लॉस तो वो अलग है। जब इस तरीके के लॉसेस हो जाते हैं तो ज्यादातर केसेस में आप देखोगे दोस्तों कि एनवायरमेंटल लॉस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, फाइनेंशियल लॉस पे कम फोकस किया जाता है, बट फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी, तो फाइनेंशियल लॉस के क्या क्या फैसिलिट्स हो गए, वो जो ऑयल बर्बाद हुआ वो, टूरिज्म इंडस्ट्री पे जो इफेक्ट आया वो, जो फिशिंग इंडस्ट्री पे इफेक्ट आया वो, साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात तो हमने करी ली। अब यहां पे एक चीज निकल के आती है कि अगर ऑयल स्पिल हुई है तो इसको रोकने का भी कुछ तरीका होगा। भाई बहुत से तरीके हैं दोस्तों रोकने के इसको। सबसे पहले तो जो जो आपके वेसल्स हैं, इन वेसल्स की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो इनका हल डिजाइन है, जो भी एलिमेंट से, जो भी मैकेनिकल पार्ट से, जिस भी इक्विपमेंट से ये जो टैंकर्स बनते हैं, ऑयल के टैंकर्स बनते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बट वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तभी इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो आप यहां पे देखिए इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन ऑयल स्पिल्स की बात अगर हम करें तो 1973 में इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मारपोल। ओके, आप देखिए कि 1973 में इसको अडॉप्ट करने के बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम था एक्सॉन वर्ल्डिस ऑयल स्पिल 1989 में। उसके बाद भाई इस ऑयल स्पिल के बाद पूरी दुनिया के सामने समझ में आया कि भाई ऑयल स्पिल से खतरा है, तो 90 कंट्रीज फिर बैठी और उन 90 कंट्रीज ने बैठ के फिर से एक कन्वेंशन बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन 1990। इसमें ये बात सेट की गई कि हाँ भाई अगर किसी कंपनी का शिप टूटता है तो उसके ऊपर कितना फाइनेंशियल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इसी 1990 के कन्वेंशन में ये बोला गया कि एक स्पेशल फंड बनाया जाएगा। इस स्पेशल फंड में वो सारी कंट्रीज पैसा डालेंगी जिनकी कंपनी शिपिंग में इन्वॉल्व है, इनफैक्ट शिपिंग कंपनीज भी इसमें डायरेक्टली पैसा डालेंगी। ओके, और मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस इंसिडेंट से डील करने के लिए जो भी पैसा इस फंड में आया है उसको खर्च किया जाएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन ने जुलाई 1993 में कुछ और नियम कानून निकाले कि भैया जो भी ऑयल टैंकर हैं, जो भी शिप्स हैं, जो सिंगल हल्ड शिप्स हैं उनको डबल हल किया जाएगा। ओके, सिंगल हल्ड शिप को 1995 तक हटा दिया जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन होता है ऑयल टैंकर्स का उसको और अच्छी तरीके से किया जाएगा, बट शायद कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है तभी यहां पे ये जो टैंकर है वो टूट गया है। उसके आगे बात की जाए तो बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस यहां पे बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में बैक्टीरियास का प्रोड्यूस किया जाएगा, प्लांट एंजाइम्स और बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके उस ऑयल के पार्टिकल्स को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल लीक कर रहा है वो है तो एक हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ एक एलिमेंट है, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्लांट एंजाइम्स का प्रयोग किया जा सकता है। उस ऑयल का केमिकल स्टेबिलाइजेशन किया जा सकता है इलास्टोमाइजर्स के थ्रू, मैनुअल लेबर के थ्रू, मैनुअल लेबर को डिप्लॉय करके जिन जगहों पे सबसे ज्यादा गंदगी है बाल्टी से उस गंदगी को हटाया जा सकता है। देखिए यहां पे ये पर्सन है, इस बाल्टी को लेके इस कचड़े को बाहर निकाल रहा है, इस तरीके की चीजें भी हम कर सकते हैं। स्किमर्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्किमर्स में क्या होता है दोस्तों कि देखिए मरीन वाटर में जो सरफेस होती है पॉल्यूटेड वाटर की, वहां पे बोट्स दौड़ाई जाएंगी, उन बोट्स के पीछे स्किमर्स लगे होंगे, वो जो स्किमर्स हैं वो उस ऑयल स्पिल्ड ऑयल को चिपका लेंगे अपने साथ, उस स्पिल्ड ऑयल को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे जितना भी कर सके। तो ये स्किमर्स को भी कुछ हद तक डिप्लॉय किया जा सकता है, सॉर्बेंट्स को, डिस्पर्सेंट्स को कुछ हद तक डिप्लॉय किया जा सकता है। एक रीसेंट आपका टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडिया ने, ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी। ऑयल डैपर टेक्नोलॉजी किसने प्रोड्यूस की? टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या बोलता है? एक्चुअली में जो ऑयल जैपर ही है एक तरीके का बायो रेमेडिएशन ही है। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का इस्तेमाल करके वो जो क्रूड ऑयल है उसके जो डैमेजिंग इफेक्ट है उसको कम किया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पे ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी बायो रेमेडिएशन का पार्ट है। मैनुअल लेबर का प्रयोग करके, हॉट वाटर का प्रयोग करके, डिस्पर्सेंट, सॉर्बेंट, स्किमर्स का प्रयोग करके, केमिकल स्टेबिलाइजेशन का प्रयोग करके इसको हटाया जाएगा, प्लस नेचुरल रिकवरी तो देखिए होती है दोस्तों। जो हमारा एनवायरमेंट है उसके पास एक बड़ी पावरफुल ताकत है कि वो नेचुरली हील कर सकता है, लेकिन वो नेचुरली तब हील कर सकता है जब जरूरत से ज्यादा पॉल्यूशन ना हो।
उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अगेंस्ट आप उसको एक्सप्लॉइट करते चले जाओगे तो उसकी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी भी चली जाएगी। अब देखिए इंटरनेशनल एफर्ट्स तो हमने देखे दोस्तों इस ऑयल स्पिल्स को रोकने के लिए, ऑयल स्पिल्स को। अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या इफेक्ट हुए, एफर्ट्स हुए इस ऑयल स्पिल को रोकने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव। 1993 में बनाया गया नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिंजेंसी प्लान, ओके। इसने किसको डिजिग्नेट किया? इंडियन कोस्टल गार्ड को डिजिग्नेट किया सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। आप इसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए कि 1993 में इंडिया में बनाया गया नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिंजेंसी प्लान, NOSDCP। उसके बाद 1995 में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स एंड कॉर्पोरेशन, ये आया फोर्स में और इसको इंडिया ने भी बोला कि भाई हम इसको मानेंगे। 2011 में ऑयल स्पिल इंडिया एक इंटरनेशनल फोरम है ऑन ऑयल स्पिल प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स एंड रेस्टोरेशन सिस्टम्स बिगिन शोकेसिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इस ऑयल स्पिल इंडिया ने अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस को, टेक्नोलॉजीज को, एक्सपीरियंसेस को ऑयल स्पिल मैनेजमेंट को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2015 में इंडिया ने रेटिफाई किया द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज 2001, बंकर कन्वेंशन, विच इंश्योर्स एडिक्वेट प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव कंपनसेशन फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स। क्या बोला गया इस बंकर कन्वेंशन में कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके यहां जो भी शिपिंग कंपनीज हैं दोस्तों, उन शिपिंग कंपनीज से ये इंश्योर करवाया जाएगा कि वो शिपिंग कंपनीज जो भी वेसल्स ऑपरेट कर रही हैं उन वेसल्स का प्रॉपर इंश्योरेंस कवर ले। कल की डेट में अगर उस वेसल में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस इंश्योरेंस के तहत पैसे अवेलेबल हो उसके डैमेज से लड़ने के लिए। डैमेज बहुत तरीके का हो सकता है, एनवायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है, फाइनेंशियल डैमेज भी हो सकता है, लाइवलीहुड डैमेज भी हो सकता है, बहुत तरीके के डैमेजेस हो सकते हैं। तो उस डैमेज से लड़ने के लिए बंकर कन्वेंशन के अंदर बोला गया कि जितने भी वेसल ऑपरेटिंग कंपनीज है वो प्रॉपर इंश्योरेंस कवर लेंगी, ठीक है। पहले से ही एक कंटिंजेंसी प्लान को प्रिपेयर किया जाएगा कि कल की डेट में कुछ हो जाता है तो किसके ऊपर कितनी लायबिलिटी होगी, कौन कितने पैसे देगा। और फाइनली 2015 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने NOSDCP को रिवाइज किया। NOSDCP क्या है? नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिंजेंसी प्लान, जो कि 1993 में बनाया गया था। इसको रिवाइज किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया गया। ये बोला गया कि एक ऑनलाइन ऑयल स्पिल एडवाइजरी सिस्टम बनाया जाएगा जिसको बनाने से इंडिया वो कुछ कंट्रीज में आ जाएगा जिन्होंने इंडिजीनियसली ऐसी कैपेबिलिटीज बना रखी हैं जिससे ऑयल स्पिल को एडवांस में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसकी ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, किस जगह पे ऑयल स्पिल होगा वहां पे क्या एनवायरमेंटल सेंसिटिविटीज होंगी उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है तुरंत डिप्लॉय किया जा सके एरियल डिस्पर्सेंट स्प्रे सिस्टम्स को, ओके, और स्पिल कंटिंजेंसी प्लान्स को तुरंत इनैक्ट किया जा सके। बट इतना कुछ करने के बाद भी 2015 में देखिए दोस्तों ये हुआ है और 2017 में एन्नोर ऑयल स्पिल हुआ था और बवाल मच गया था, उसके बाद कुछ नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट, ठीक है। लोग जा जाके बाल्टियों से निकाल रहे थे, वहां पे कुछ भी नहीं हो पाया था। मतलब ये जितनी भी चीजें थी ये सिर्फ पेपर्स पे हुई हैं, जब ऑन ग्राउंड जब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के लिए तैयार नहीं था। तो जितना हो सका है दोस्तों काम की चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जीएस पेपर 3 के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर बताइएगा। गुड बाय।